Assalamualaikum, good morning, have a nice day. This is Dr. Nabiha Ali Khan. जी हाँ जनाब, नई सुबह, नया आगाज, नया अंदाज, नई बात लेकर आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। सुबह का आगाज़ होता है हमारे प्रोग्राम से एक इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक से, भरपूर इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ ये प्रोग्राम जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखना तो है ही, लेकिन सुनने से आपको समझ आएगी कि प्रोग्राम को असल में करने का मकसद क्या है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जहाँ भी, जिसके साथ भी, जो भी मामलात चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके हालात हाजिरा से, ज़िंदगी से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, या फिर आप मिलना चाहते हैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से जो हमारे पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, जिनको समझ बूझ है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बैक हैंड पर जाके जिनके कलम काम कर रहे हैं, जिनकी ज़ुबान जो है वो यहाँ पर अच्छी बात को कहने के लिए रोज़ कोशिशें हैं और खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाकर आपसे मिलवाया जाता है। और साथ ही हमारी कोशिश ये होती है कि आप वो लोग जिनकी कोई भी प्रॉब्लम है उनका सलूशन उनको दिया जाए, उनको बताया जाए कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आज का प्रोग्राम भी डेली के तमाम प्रोग्राम्स की तरह ख़ास है, क्योंकि 7 days इन अ वीक डेली सुबह 9 बजे मेरी आपसे मुलाकात होती है। तो कोशिश यही होती है कि इस सुबह के आगाज़ के साथ ही एक अच्छा सा प्रोग्राम और फिर उसके बाद जो है सारा दिन आपका एक अच्छे तरीके से गुजरे, क्योंकि अगर सुबह के आगाज़ के साथ ही अच्छी बात कर दी जाए तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। लोगों को राइटर बनने का बहुत शौक़ होता है। बहुत से हमारे ऐसे अपकमिंग राइटर्स हैं जो कि कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अवाम की खिदमत हो रही है, जिससे वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं, हिडन हैं, वो सामने आ रही हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे ही यंग टैलेंट को आपके सामने लाएँ, लेकिन आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं वो यंग टैलेंट तो हैं ही हैं, बट वो बहुत अरसे से काम भी कर रही हैं, अपने आप समझिए कि अपने कलम के ज़रिए खिदमत खल कर रही हैं। बहुत प्यारी राइटर हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, उनके कलम में सबसे ख़ास बात ये है कि वो सच लिखती हैं और बिला झिझक लिखती हैं, किसी का कोई उसमें जो है वो मामलात ये देखे बगैर लिखती हैं कि इसका कितना प्रेशर उन पर होगा या आएगा। तो आज हमारी मेहमान हैं, आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बहुत से कॉलम लिखे, अब मुख्तलिफ जो है वो और न्यूज़पेपर्स में भी लिख रही हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, सैयदा सलमा ताहिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, एंड बहुत खुशी होती है जब आप जैसे जो नामवर जो एंकर्स हैं जिनको बहुत सुना जाता है, और मेरी फैमिली तो आपकी बहुत फ़ैन है। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आप बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बातचीत करती हैं, शोज़ करती हैं, और इट्स नॉट अ टिपिकल कन्वेंशनल शो, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हेयर। इट्स माई प्लेजर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मैं कहती हूँ कि खुशी की बात होती है जब लोग ये कहते हैं कि वो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं। आज के दौर में 40 मिनट का प्रोग्राम अगर किसी ने बैठकर सुन लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ, कामयाबी है। कोहिनूर टेलीविज़न की हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे तमाम एंकर्स ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, और यही के एंकर्स हैं जो और फिर आगे जगह जो है वो बैठे हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी बात है। सैयदा साहिबा, आप माशाल्लाह एक तो सैयद फैमिली से हैं, आपका इज़्ज़त एहतराम और आपके साथ प्यार जो है वो एक अलग जो है हमारा है, लेकिन उसके अलावा आप जो लिखती हैं ख़वातीन के लिए, आपने बहुत लिखा इन प्रोसेस, आपने कायदे आज़म की पर्सनैलिटी पे बहुत कुछ लिखा, आपने कुछ हमारी जो है वो वॉर पे बहुत सी आपने जो है वो खूबसूरत नज़्म लिखी, ये जब लिखती हैं इसको कैनवस पे उतारती हैं और ख़ासतौर पर इंग्लिश में लिखती हैं, उर्दू में भी नहीं लिखती, तो ये जो इतना मुश्किल काम आप करती हैं ये कब से कर रही हैं, कैसे इस तरफ ध्यान हुआ, किसने सपोर्ट किया, पहला कॉलम किस तरह लिखा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी नबीहा, ये बहुत ही एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी का, और इस बात के लिए मैं फिर माजरत चाहती हूँ कि उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है, और आइडियली तो मुझे, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती, ज़्यादा अगर मुझे अपनी अचीवमेंट
महसूस होती कि मैंने उर्दू में लिखा, लेकिन कुछ स्कूलिंग ऐसी हुई बीकन हाउस स्कूल में, एन एक्सेलेंट स्कूल, बट वहाँ पे क्योंकि सीनियर कैम्ब्रिज, फिर ए लेवल्स, देन आई वेंट टू कैनेट कॉलेज, देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वो सारी जो आपकी टीचिंग है, जो नॉलेज इम्पार्ट आपको होता है, वो इंग्लिश में होता है. बिल्कुल ठीक है. तो वो उसकी वजह से जो है, क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस है, वो इंग्लिश में ही आता है. वो इंग्लिश में आता है. सही है. तो इसलिए इट्स फ्लुएंट, इट्स ईजी, एंड व्हाट आई ट्रूली वांट टू एक्सप्रेस दैट आई एम बेटर इक्विप्ड कि मैं उसको, मैं I can understand उसको आपके लिए कितना जरूरी है, जो मेरा कलम है उसको, एंड आई स्टिल यूज एन इंक पेन बाय द वे, आई डोंट यूज अ लैपटॉप, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे फादर जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, एंड हाँ जी, और आई कम फ्रॉम लिटरेरी फैमिली, दोनों मेरे फ्रॉम माई मटर्नल एंड पटर्नल साइड. तो मैं बच्ची थी तो भी मैं आई स्टिल कीप अ डायरी, और बैंकिंग मैंने की. अच्छा. 10 साल मैंने बैंकिंग की. आई एम अ कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट. कैसा एक्सपीरियंस रहा 10 साल बैंकिंग के फील्ड से रिलेटेड? आप पर्सनैलिटी माशाल्लाह, क्या कुछ देखा, क्या उसको देख के ही तो अपना कलम नहीं उठाया? मैं आपको बताऊं कि आई हैड द टाइम ऑफ माय लाइफ एज अ बैंकर, एज अ कंज्यूमर ब्रांच बैंकिंग में मैं थी, एंड आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड. फिर मैंने ABN AMRO में काम किया, कुछ और भी हमारे जो बैंक्स हैं, NIB. जाहिर है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ा हुआ है. जी सही. तो लेकिन मैं उसमें सेल्स की साइट पे जो है, मैं मुझे था कि प्लीज़ आप ये टारगेट्स मुझे मत दीजिए, और मुझे कस्टमर सर्विस, क्योंकि मेरी, मुझे ये एहसास हुआ, और जो मेरे मेंटर्स थे वहाँ बैंकिंग में, और जो सीनियर कोलीग्स थे, उनको था कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कस्टमर सर्विस के लिए और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, जिसमें कि तकरीबन हर चीज़ आ जाती है. सही, आपके कितनी देर में आपको कस्टमर को चेक बुक मिली, उनकी कंप्लेंट्स हमने कैसे हैंडल की, तो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, और उसके नीचे ये बहुत डिफरेंट उसके ये सब टॉपिक्स. तो अभी बिल्कुल बैंकिंग से जो है वो साइड पर हो गई हैं, सिर्फ एज अ राइटर ही जो है, एज अ कॉलमिस्ट ही काम कर रही हैं? जी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बैंकिंग में, व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय बैंकिंग करियर, तो मुझे आई एम द ओनली डॉटर, और मेरी जो मदर हैं, शी रन्स एन इंटीरियर डेकोर फर्म, तो शी फेल इल, और हम दो ही बहन भाई हैं, तो आई हैड टू बी विद हर, एंड आई हैड टू मेक अ कॉल, अ प्रायोरिटी डिसीजन, कि मुझे मेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओबीडिएंट बच्चा जी. आई थिंक वी ओ दैट मच टू आवर पेरेंट्स, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. लोगों ने मुझे बहुत कहा कि यू आर नॉट मेकिंग अ वाइज डिसीजन, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती. सही. अब इसलिए मैं बैंकिंग में, एक तो यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि जो एक ब्रेक लेना होता है, जो एक सबैटिकल होता है, इट्स नॉट टेकन काइंडली टू, और HR वाले जो होते हैं वो आपसे काफ़ी पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा आपने फिर क्यों छोड़ा. अब नाउ दीज आर प्राइवेट डिटेल्स, दीज आर माय पर्सनल डिटेल्स. बिल्कुल. नाउ इफ यू आर अप्रो, यू नो,
आप कोई जॉब ऑफर है और उसके लिए आपने मुझे कंसिडर किया है, तो यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है। सलमा, आपने इस पर लिखा कि जहाँ पर हम जॉब लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर आगे जो लोगों के रवैये आपको फेस करने पड़ते हैं, पर्सनल क्वेश्चन जो किए जाते हैं जिनका जवाब अगर कोई नहीं देना चाहता तो ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि वो आपके जॉब से रिलेट नहीं करते क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पर जो है वो लोगों को नौकरियाँ दे दी जाती हैं जो अपनी सारी बातें खोल कर दूसरों के सामने रख देते हैं। तो यहाँ पर कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, जो पर्सनैलिटी वहाँ बैठे हुए उसने आपकी जॉब से रेवलेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देने हैं, ना कि उसने आपकी कोई पर्सनल लाइफ को जो है वो वहाँ पर डिस्कस करना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने बैंकिंग उस दौर में की है, ब्रांच बैंकिंग, जब आई थिंक ब्रांच बैंकिंग का गोल्डन टाइम था। और अब बल्कि रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि एक पेंशनर थे और ही हैड अ वेरी टेरिबल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस विद आई विल नॉट लाइक टू नेम द बैंक हियर, लेकिन उस पर मैंने लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं जब जहाँ जिन बैंक्स में मैंने काम किया है, आप लिटरली मैंने तो ऐसे वक्त में काम किया है कि जब तीन बेल्स में आपने फ़ोन उठाना होता था। सही। अब तो मैं देखती हूँ कि वो तो बहुत ही पीछे रह गए हैं कस्टमर सर्विस में, बिल्कुल ऐसे ही। कोई डिपार्टमेंट ही नहीं लगता, एक वो लगता है रोबोटिक उनका वो होता है। अब लोग बैंक्स में जाने से ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वहाँ पे कस्टमर सर्विस के जो नुमाइंदे आगे बैठे होते हैं ना, वो आपसे जो पहला सवाल करते हैं ना, हाँ जी मैडम क्या चाहिए आपको, क्या कहना है, क्या काम है आपको, exactly. आपको सवाल ही ऐसा आगे आसे आ जाता है कि आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये मुझसे किस किस्म से बात की जा रही है, किस टाइप से बात की जा रही है। कोई अच्छा बंदा आ जाए, कोई बुरा बंदा आ जाए, कोई वो कपड़ों से हिसाब किताब लगाते हैं कि बंदा कितना जो है वो लेवल का है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए एक डेस्क तो बनाएं, कोई अलग से साइड से किसी को बिठाएं तो सही वहाँ पे कि जी आप फलां जो है वो डेस्क पे चले जाएं और वहाँ जाके आपकी जो है वो रहनुमाई हो जाएगी। वो लोग बेचारे पता कर रहे होते हैं हम कहाँ जाएं, इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं। अच्छा आपने मेंशन किया हुआ है लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपने उसकी भी तो मदद के लिए कुछ काम करना है ना वहाँ पे, कोई आपको रिसीव करने वाला भी तो वहाँ होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड चलिए आप आज हम जो ये बात कर रहे हैं शायद ये बात आगे तक पहुंच जाए और बैंकर्स तक और बैंक वालों तक कि भाई आप कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना जो है वो बैंक में ऐसा बंदा लेकर आए, खड़ा करें वहां पर जो अच्छे तरीके से अकोमोडेट करे। ये होती है आपकी कस्टमर जो है वो डीलिंग, जो बंदा आया है एंटर हुआ है, जैसे आप किसी शॉप में एंटर होते हैं ना ब्रांड शॉप में, वहां से आपसे सबसे पहले पूछा जाता है जी मैडम आपको क्या चाहिए, फिर जो आपको चाहिए उससे रिलेट करती हुई चीज ही आपको दिखाई जाती है। आपके लिए आसान होता है, आपको यूं पूरी शॉप में जो है वो फिर कर नहीं डिस्प्ले नहीं देखना पड़ता, जो आपको चाहिए आपके मुताबिक आपको वही चीज दिखाई जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि बैंक्स में भी ऐसा ही होना चाहिए, ये जरूरी है। और ये हम जिस जमाने में मैं थी तो ये तो इतना हमें यही बताया जाता था हर ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि मैं तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग और मैं अभी भी ट्रेनिंग सेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन कस्टमर सर्विस में वो ये समझ नहीं पाते कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सलमा एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? सिर्फ तरबियत नहीं है, सिर्फ जो आपके जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स हैं वो अगर प्रोएक्टिव हो जाएं रिएक्टिव की बजाय वो थोड़ा मुस्कुरा दें, वो अगर आपको ये कह दें कि हाउ कैन आई हेल्प यू, या आपकी जो थोड़ी जैसे तरबियत आपने कहा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उनके लिए जो
ऑलरेडी जो आपने एक स्टेट बैंक के मुताबिक जो आपने वो लिख दिया उनके लिए जगह बना दी, हाँ। लेकिन उनको गाइड तो कीजिए। इवन आप ये देखिए कि मैं बैंक में मेरा जाना बहुत कम होता है, लेकिन अगर कभी जाना पड़ जाए ना तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने नहीं जाना। मुझ जैसे लोग अगर ये कहें कि हमने नहीं जाना तो इट्स मीन कि आपको ठीक करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे जो हमारे इदारों में मामलात में चीज़ें ऊपर नीचे हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने डिग्रियां ले ली हैं, डिग्रियां हमारे हाथों में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा इखलाक जो हमें सबसे पहला दर्स हमारे मज़हब ने दिया कि आपका इखलाक आपने हंस के मुस्कुरा के किसी को देख लेना भी सदका जारिया है। इतनी छोटी सी बात अगर हम समझ जाएँ, हम तो ऐसे मुँह बना के दूसरे का इस्तकबाल करते हैं कि जैसे कोई पता नहीं ख़तरनाक से कोई शख्स जो है वो अंदर एंटर हो गया है, और जिसको जितना ज्यादा लेविश कपड़ों में देखते हैं उसकी इतनी ज्यादा इज्जत एहतराम और उसके आगे झुकते चले जाते हैं। ये चीज छोड़ दें, लेविश लोगों का भी असल में बैंकिंग से मैं थोड़ी लेविश लोगों से उनके कपड़ों की वजह से नहीं, उनके धौंस और धमकी की वजह से डरा जाता है कि अगर ये बंदा इतना अच्छा ब्रांड पहन सकता है ना तो ये यहाँ पर खड़े होकर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है, ये मेंटालिटी की बात कर रही हूँ। और ये उनको, यही हो गई उनको है। ये भी होता है क्योंकि अब फोकस जो है वो हो गया है कि जी इस अकाउंट में अब ये तो बहुत हाई प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ कि जी पैसा लेके आओ। नाउ एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी। आप अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी है, आपकी एक ब्रांड इमेज है, yes, उसको बरकरार रखें, आप कॉम्प्रोमाइज मत करें। बिल्कुल, सो आई फील वेरी सैड। और सर्विस में अब उस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि सर्विस आपने इस पे लिखा नहीं है, इसके पॉइंट्स को कुछ आपने जो है वो इसकी स्कोरिंग की वहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से गुजरी हैं, आप वहाँ पर एक जो है कस्टमर जो है वो डीलिंग में रही हैं, कस्टमर सर्विसेज की नुमाइंदा रही हैं, आपने वहाँ पर लोगों को डील किया, आपने कैसे डील किया और फिर लोगों का जो बिहेव था, ये सारी चीज़ें जैसे आप बता रही हैं कि आपने अपने एक कॉलम में जो है वो उसको शेयर भी किया है। अगर ये कॉलम लिखा जाता है, आप सिर्फ कॉलम को लिखकर उसके बाद उसका जो आपको फीडबैक आता है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हाँ इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए था, इसमें ये भी आप करती, तो क्या उस कॉलम को आगे बढ़ाती हैं, मज़ीद उसके बारे में आगे लिखती हैं, या बस कॉलम को उतना ही जितना आपने उसको जो है वो छपवा दिया और वो लिखा गया कि उसका कोई पार्ट टू पार्ट थ्री भी आता है? बिल्कुल जी, मैं तो उसका ज़रूर करती हूँ। इनफैक्ट कोई भी कंप्लेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है, मेरी ये इट्स अ सैड ऑब्जर्वेशन कि जैसे मैंने वो एक आर्टिकल लिखा, वो जो पेंशनर्स साहब थे, हमारे सीनियर सिटीजन थे, ही रोट अ लेटर ऑफ थैंक यू टू मी, ही सेंट मी एन ईमेल सेइंग थैंक यू, शुक्रिया के बेटी आपने एक मसला था और उसको आपने कम से कम उसके बारे में पढ़ा, मेरा जो उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखा था कि आपने उसको पढ़ा सही, और सही, उसके बारे में जो आप कर सकती थी आपने किया सही। लेकिन बैंक से उनके मैंने सब कुछ टैग किया उसमें, बट इट्स वेरी सैड कि बहुत कम बैंकर्स ने मुझे उसके बारे में, मतलब देवर एक वो कहते हैं ना जी कि साइलेंस ऑफ द लैम्स, तो वो बिल्कुल ही साइलेंट अबाउट इट, टाइट लिप्ड, तो उसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है कि दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट, और उनको बस यही है actually, कि they don't know about it because वो जानना ही नहीं चाहते, उनको वो जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते, उनके लिए ये मैटर करता ही नहीं कि किसी को अप्रिसिएशन लेटर आया या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने उनके लिए कोशिश की तो क्या उनको भी ऐसा करना चाहिए कि कोई उनके लिए भी अप्रिसिएशन लेटर लिखे? बट नो, वो कहते हैं कि ठीक है जो हम कर रहे हैं इट्स गुड, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, यही सबसे बड़ा आलमी है जिसकी वजह से मामला ठीक नहीं हो पाते। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कॉलम लिखती हैं, कॉलम को क्रिटिसाइज कितना किया जाता है, कौन लोग कॉलम पे ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये क्या लिखा, ऐसे नहीं, ये तो यूं होता है, ख़वातीन के बारे में अगर कुछ लिख दिया, कोई वॉर के हवाले से कुछ लिख दिया, कुछ भी लिखा, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कहाँ से आता है?
आई बीन फॉर्चुनेट कि मैंने कभी कोई क्रिटिसिज्म एज सच नहीं फेस किया. अच्छा. वो इसलिए क्योंकि मैं आई थिंक जो मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है, राइटिंग देखे मैंने शुरू की 2010 ऑनवर्ड्स अपनी ब्रेक के बाद. ठीक. फिर मैंने राइटिंग शुरू कर दी. नाउ आई राइट फॉर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन के लिए, डेली टाइम्स के लिए, और रिसेंटली ये रज़ा रूमी साहब, ही हैज़ बीन वेरी काइंड इन मेंटोरिंग मी, एंड नजम सेठी साहब ऑल्सो, कि फ्राइडे टाइम्स में और नया दौर एक उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, तो उस पर उन्होंने मुझे बहुत उन्होंने मुझे इनकरेज किया. सही. एंड वहाँ से ये मेरा सारा लिखाई का एंड इवन पोएम्स का भी, मेरी इनफैक्ट इंग्लिश में जो पोएम्स हैं उसकी मैं एक बुक छोटी सी पब्लिशिंग की स्टेज पे है. अच्छा. तो, जबरदस्त जी. तो क्रिटिसिज्म जो है वो मुझे इसलिए नहीं फेस हुआ क्योंकि मैं हर जिस इशू पे मैंने लिखा वो उसमें मैंने ये सोच के लिखा. आई डिड नॉट, आई वॉज नेवर ट्राइंग टू बी पोलिटिकली करेक्ट. राइट. लेकिन ना मैंने न्यूट्रल हो के लिखा, लेकिन मैंने दोनों तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स जो थे उनको लेकर लिखा. एक ओपिनियन पे नहीं ना लिखा. exactly. वो अगर एक पे लिखा होता तो फिर दूसरा ओपिनियन जरूर आता. हाँ. इसलिए आपने दोनों को जो है बैलेंस कर दिया. बहुत बेहतरीन. अच्छा ये बताइएगा, पोएम्स लिखती हैं, पोएम्स की बुक आ रही है, तो कोई हमें अपनी बुक से ही कोई पोएम जो है वो सुना दीजिए जो आपको भी पसंद हो और आपको लिखकर भी अच्छा महसूस हुआ उसके बारे में. जी, ये एक पोएम जो है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ. जी ज़रूर. मैं अपनी एल्बम नहीं लेके आई, लेकिन इंशाल्लाह ये बुक जब पब्लिश होगी तो सबके लिए देखेंगे क्या हमें इसका अच्छा फीडबैक मिलेगा. जी, तो ये बल्कि 101 CEO इनक्रेडिबल वेमेन क्लब, एक अगेन अ वेरी इंस्पायरिंग, अ वेरी अ वुमन हु इज डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल्स ऑफ वेमेन. नो डाउट. ज़ीशान ज़िया राजा जो हैं वो उनका एक उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन की थी रिसेंटली. हाँ, जिसमें मैं भी इनवाइटेड थी लेकिन मैं नहीं आई. मैं उनके हर फंक्शन को मिस कर देती हूँ. वी रियली मिस्ड योर प्रेजेंस. यस. तो वहाँ पे उन्होंने शी गेव मी अ चांस टू रिसाइट माय इंग्लिश पोएम विद एक जो गुइनीज हम भी सुनना चाहेंगे जो रिकॉर्ड है फरजाना आकिब उनके साथ. इट वाज एन ऑनर फॉर मी. ये जी दिस बोथ लेडीज आर वेरी स्वीट और आई फील प्राउड माई सेल्फ के आई एम पार्ट ऑफ इट. तो 101 इनक्रेडिबल वुमन चैनल जो है अब आगे जो है वो प्रोग्राम में जरूर बुलाऊंगी, उनको भी इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह. आई थिंक वी ओ देम दैट मच एज मेंबर्स ऑफ द क्लब. ये जी पोएम मैंने लिखी इन लविंग मेमोरी ऑफ द मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान डिफेंस डे, जो कि हम सितंबर 6, 1965 की जो वॉर हुई थी. तो इसका टाइटल है जी द लास्ट गुड बाय. द लास्ट गुड बाय. जी. ओके. जी. अ टियर रैन डाउन हर चीक as she read the words her martyred soldier son had written. Old dad sat at the table with a lump in his throat. The letter was stained with blood and sand. It was a letter from their son fighting for the country at the border. Wow. The letter said, "Mom, the pain I cannot stand from the shrapnel that ripped through this young man. I feel the pain so badly, it makes me scream and cry. I know I will not see you. I know that I will die. So I just wanted to say, before God calls me home, do not worry about me anymore. Wow. No,
I am not alone. I know that there will be days that you both sit and cry. Yes, that's the spirit. I know wow. there will be days that you wonder why. Mm. The reason is, Mom, this is what I signed up to do so that our country can stay free. Well, I will go now. Things are starting to fade. No, I am not alone, Mom, nor am I afraid. But before God calls me home, there is something I must say. Wow. I thought of you all each and every day. The medic, he is trying to keep me alive and ease my pain. But I must go now. It is time, God, he says so. I love you all and miss you. Wow. Wow. This is the last wow. letter, the last wow. one I have written. It's called Jazba. तो Very ये beautiful. उन शहीदों के नाम yes. हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए बिल्कुल ये ताकि जो आज़ादी हम इंजॉय कर रहे हैं डिटर्मिनेशन देखिए पावर देखिए उनकी एंड द फ्रीडम दैट हमारी जेनरेशन मैं कहती हूँ फिर भी हमें वो एहसास है बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है yes. उनमें ये उनको दे आर टेकिंग देयर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड किसी ने अपने स्टेटस पे बात लिखी हुई थी सलमा मैं शेयर करती चलूँ आपके साथ मैंने मुझे यहाँ रिमेंबर नहीं मैं अक्सर लोगों के बहुत कम स्टेटस चेक करती हूँ लेकिन जब करती हूँ तो कुछ मुझे पता होता है कुछ अच्छा शेयर किया होगा तो उन्होंने लिखा कि हम वो हैं जो माँ बाप से डरते थे हम वो जनरेशन है जो माँ बाप से डरते हैं लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना माँ बाप उनसे डरते हैं यानी हम जिनके माँ बाप हैं हम अपने बच्चों से डरते हैं ये नौबत आ चुकी है इस माशरे में कि वालदैन बच्चों से डरना शुरू हो गए हैं और शायद ये मेरे प्रोड्यूसर ने ही जो है वो स्टेटस शेयर किया था मुझे शायद याद नहीं है लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात थी और ये बात कहीं मेरे जहन में इस तरह अटकी कि मैंने कहा कि कितनी सच्ची और खरी बात लेकिन कितनी सादगी के साथ लोग आपका स्टेटस देखते हैं स्टेटस कॉन्शियस है ना वैसे भी ज़िंदगी में भी स्टेटस देखा जाता है मोबाइल पे भी स्टेटस देखा जाता है किसने क्या लगाया जिसका स्टेटस जितना स्ट्रांग होगा वो बंदा दूसरे के माइंड में उतना ही स्ट्रांगली जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा और उसकी वक्त या उसकी कदर जो है बढ़ती चली जाएगी इसी तरह मैं तो ये हालात आ गए इसी तरह बल्कि टू टेक दिस पॉइंट फर्दर कि जो सोशल वर्क आप भी करती हैं मैं भी करती हूँ फॉर मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट फॉर कम्युनिटी सर्विसेज कि हम लोग फीमेल्स जो हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन और विमेन डिस्क्रिमिनेशन जो है क्योंकि विमेन मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यस और लेजिस्लेशन आपकी बने ताकि आपके जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करें और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को दे शुड नॉट जस्ट से कि जी हमारे जो बच्चे हैं नाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड द टीचर जी क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी बिफोर थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड हो चुकी हैं अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है ना कि हम चाहकर भी जो है वो अपने बच्चों के आगे अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते कि किसी माँ बाप को जो है वो आज के दौर में वही माँ बाप जिन्होंने घर बनाए होते हैं वही माँ बाप जिन्होंने अपने हाथों से प्यार से मोहब्बत से उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होता है अब वही लीड क्लास जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई है माँ बाप को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है वो एक कमरे में बंद है या उनको खाना भी खाने की टेबल पर जो है वो नहीं दिया जाता इवन के रोज़ी रिज़वी साहिबा मेरे प्रोग्राम में जो आई आपकी बहन माशाल्लाह वो बहुत कैपेबल खातून है बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आपकी तरह बहुत बहुत नाइस लेडी हैं और मेरी उनके साथ जो है वो दिली वाबस्तगी है बहुत कम लोगों के साथ दिली वाबस्तगी होती है तो आपकी पूरी माशाल्लाह फैमिली ही आप लोग सब सभी आपकी मतलब जो भी सेटअप है आप सब लोग ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे वालदैन के लिए कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है जिनकी अपनी ही औलाद ने उनको होते हुए छोड़ रखा है
और उनको जो है वो ऐसे फेंक रखा है कि कोई शायद अल्लाह माफ़ करे अपने मुलाज़मों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें जो कर रखी हैं इस पर जो काम कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ इस टाइम में वो जहाद कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड आई सल्यूट वेमन जैसे मुसर्रत मिसबा साहब हैं जो बर्न विक्टिम्स के लिए काम कर रही हैं, मुसर्रत मिसबा, नो डाउट। फिर आपके जो कुछ इदारे हैं जैसे कश्माला तारिक साहब हैं, अब मैं कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन में नहीं जाना चाहती, हाँ, लेकिन जो जो वर्क प्लेस एथिक्स हाँ। वो उस पर जो काम कर रहे हैं, फिर इसी तरह से UNHCR जो है, जैसे बाहर की वो एंजेलिना जोली साहिबा जो हैं, उनको अफ़गानिस्तान तो नज़र आ गया लेकिन उनको इराक नहीं दिखाई दिया, उनको पैलेस्टाइन नहीं दिखाई दिया, उनको कश्मीर नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो माहिरा खान हैं, यू नो, बट जो भी वो एफर्ट अपनी कैपेसिटी में कर रही हैं, आई सल्यूट ऑल दीज। बिल्कुल सही है, और एज लेडी हमें जो है वो अपनी खवातीन को बिल्कुल प्रोमिनेंट भी करना चाहिए और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई खातून किसी खातून की तारीफ कर रही हो तो आज के दौर में ये बड़ी बात मानी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है, चाहे वो किसी शोबे से रिलेट करते हों, चाहे आपके घर में हो, चाहे कहीं भी किसी भी शोबे में मौजूद हों, लेकिन दो खवातीन का एक दूसरे का दोस्त होना और कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। मेरे वालिद ने मुझे कोई कोटेशन बताई थी, आई डोंट नो ये किसकी कोटेशन है, बट उनको था कि बी द वुमन हु फिक्सेस द क्राउन ऑफ अनदर वुमन इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर दैट द क्राउन इज क्रूकेड। वाह, कि आप जो हैं औरतों को इनकरेज करें, जो विमेन इन पावर हैं, इन पोजीशंस ऑफ पावर हैं, वो जैसे अनफॉर्चुनेटली राइटिंग इज नॉट अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन, यू कैन नॉट अर्न योर लाइवलीहुड इस राइटिंग प्रोफेशन से। इट इज अ सैड बट फैक्ट, बट इट्स द रियलिटी। सही, तो उसमें जैसे वी विमेन लाइक अस शुड बी गिवन, विमेन लाइक यू, विमेन लाइक रोजी, वी शुड बी गिवन अ चांस टू सिट एट द डिसीजन मेकिंग टेबल्स, क्योंकि आई थिंक हमारा इतना एक्सपीरियंस जरूर है where we can contribute to the communities we are living in. और इस दौर की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस दौर की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त में जब एम्पावरमेंट की बात आती है, एक वुमेन की बात आती है, उसको जो है मजबूत करने की बात आती है, तो वहाँ पे फिर जो लेडीज़ बैठी हैं पहले से, जिनके पास जो है वो बोलने की या कुछ करने की जो है वो सकत है, उनको आगे आना चाहिए, वन टेबल पे जो है वो उनको बैठना चाहिए। अब ये चीज़ें छोड़ दें कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन कैसा लगता है, कौन कैसा नहीं लगता, किसके कितने नंबर आ गए, किसने कितने लोगों को जो है वो अपने साथ अटैच कर लिया, ये चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ें। खवातीन को चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें। बात तब है कि मैं हाथ मिलाऊं सलमा से और ये हाथ मिलते मिलते दोबारा मेरे दूसरे हाथ तक आ जाए, तब मैं मानूंगी कि वाकई हम कामयाब हैं और हम कामयाब खवातीन हैं। पाकिस्तान को इस तरह की खवातीन की जरूरत है, एक चेन की जरूरत है, विमेन चेन की जरूरत है, कि जिसमें सारी विमेंस जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर और दूसरी विमेंस को एम्पावर करने के लिए, विमेन हेरेसमेंट के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए आगे बढ़े, ना कि विमेंस के लिए, मर्दों के लिए भी अगर कहीं देखते हैं कि कोई इस तरह के मामला हो रहे हैं, तो क्यों खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना चल तो रही हैं, हर जगह काम कर रही हैं, मर्दों के साथ ही कर रही हैं। तो अगर किसी मर्द को भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, हमारे किसी भाई को, कोई जो है वो हमारे जानने वाले को, किसी दोस्त को, अहबाब को, तो उसकी भी हेल्प करनी हमारी बनती है। मैंने इसके ऊपर भी नबीहा मैंने एक लिखा था कि अब्यूजिंग ये जो मी टू मूवमेंट है, इसमें भी जो कुछ केसेस हैं वो दे नीड टू बी प्रोब्ड, कि क्या आपने, यू नो, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट गेट अलॉन्ग विद समवन, किसी से आपकी कोई जाती, आपकी कोई ईगो का मसला आ गया, तो आपने उन साहब के ऊपर कि जी हमारे मुआशरे में मर्द तो बैठी, जैसे औरत कोई कैंडी नहीं है, अगर वो अपने आप को डिग्निटी, अपने आप को सही तरह कंडक्ट करेंगी, कैरी करेंगी,
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। कोई देयर आर गुड मेन आउट देयर आल्सो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, ये जो इतने हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं ना, आप जो इस पर बात कर रही हैं, आपने खुद भी इस पर लिखा भी है, आप लिख भी रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी है और ये कुछ मर्दों की है, सबकी नहीं है। सबकी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में जब मर्द बड़ा होता है, ग्रो करता है एक बच्चा, तो उसको बताया जाता है कि बेटा ये सब तुम्हारी बहनें हैं और तुमने इनकी इज्जत करनी है, ये माँ बाप की तरबियत में चीज़ शामिल होती है। और ये कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं कहता कि अगर आपके इलाके में या आपके कज़न्स या वो ये तुम्हारी कज़न है या तुम्हारी ये, वो बहनें कहते हैं, भाई कहा जाता है। तो ये बहन भाई का जो रिश्ता एक कॉम्बिनेशन बना है ना इस दुनिया में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कभी कभी बहनें भी भाइयों के ऐसी जगह पे काम आ जाती हैं और इतना उनको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि भाई जो है वो अपनी बहनों पर फ़ख्र करते हैं। ये एक चेन है। इसमें ये ना कहें कि बहन ने साथ दिया और भाई ने नहीं दिया और भाई को देना चाहिए था, नहीं। बहन हो या भाई हो, जिसका भी उस टाइम पर मतलब असर रसूख है, बात है, चीत है, जो भी है, आप एक दूसरे के लिए जो है वो अपने दिल खोल के जो है वो काम करें। एक और बात नबीहा मेरी समझ से बालातर है कि हम एक ये बहुत बहस में आ गए हैं कि जी बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल। अब देखिए, ये कुछ हमारा जो बाय नेचर आपकी ये बायोलॉजी ऐसी है, आपका जो भी आप जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक है, बिल्कुल ये इट इज़ अ फैक्ट कि एक मर्द एक और तरह, उनकी एक और फिजियोलॉजी है, उनकी एक और तरह से उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी वीकनेसेस हैं। और इसी तरह औरत जो है वो एक शी इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। सो दोनों को कहना कि यू नो वो इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, नहीं। यस, तो आप अपनी फेमिनिटी को आप प्लीज़ एम्ब्रेस करें। ये ना आपने इस कॉम्बिनेशन पे लिखा, इस औरत और मर्द की इस रिलेशनशिप पे लिखा कि जिसमें आगे बढ़ने की तगोदो, आगे बढ़ने का जो है वो रास्ता तलाश करना और कहीं मर्द को नीचा दिखाना, कहीं औरत को नीचा दिखाना, जबकि ना इस्लाम ऐसी इजाज़त देता है और ना ही हमारे माशरे में कहीं इस तरह जो है वो हमें कोई तरबियत मिलती है, फिर हमने ये चीज़ें अडॉप्ट कहाँ से कर लीं? बात सवाल ये पैदा होता है जो बड़ा सवाल है। तो आप क्या समझती हैं कि आप एक राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जब आप इस चीज़ पर लिखती हैं या लिखेंगी तो आप किस तरह इसको जो है वो डिफ़ाइन करना चाहेंगी? मैं इसको कहूँगी कि हमारी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। हम लोग एक कंफ्यूज्ड नेशन बन के रह गए, ऐसा ही है, जिसमें मैं औरतों को भी करूँगी ब्लेम और दोनों जेंडर्स को, क्योंकि वो ये देखते हैं कि बाहर वेस्ट में क्या हो रहा है। यस, यही प्रॉब्लम। दे फॉरगेट कि वहाँ पे उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो है मतलब वहाँ पे अगर आज़ादी है तो उस आज़ादी के क्या उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। सो वुड यू लाइक, जैसे इन द ये जो औरत मार्च है, आई एम अ टोटल एडवोकेट ऑफ दैट, लेकिन जो एक स्लोगन वहाँ पे चल पड़ा इसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। हाँ, मैं तो ये मार्च के अब मैं ना कहती हूँ कि मैं तो इसको डिस्कस करना भी जो है ना वो तौहीन समझती हूँ कि ये कोई बात ही नहीं है, हम नहीं इसको डिस्कस कर सकते। तो, हाँ, लेकिन बात जहाँ पर आती है ना, मैं कहती हूँ सलमा कि एक औरत जो है ना उसका मुकाम 1% मर्द से नीचे है, ये मान लें औरतें। इसमें क्या इतना जो है वो कबाहत वाली बात है? मर्द को जो है वो हाकिम बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने मर्द को सरबराह बनाया है, तो अल्लाह ने बनाया है। इसमें मेरा आपका या किसी का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। मर्द घर में बड़ा है और उसकी इज्जत करना एक औरत पे फ़र्ज़ है। वो शौहर है, वो बाप है, वो भाई है, वो बेटा है, वो कुछ भी है, आप बड़ी हैं या छोटी हैं, एक जो रिस्पेक्टेबल एक पर्सनैलिटी है जिसको अल्लाह ने जो है वो बड़ा रुतबा दे दिया, तो ऑफ कोर्स वो बड़ा है, आप इस चीज़ को मान लें। और ये देखें नबीहा के औरत जो है, चलें अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में तो आप मतलब माँ से ज़्यादा दर्जा किसका है? तो ये तो आप
जो हैं आपको तो जितनी इस्लाम अगर हम खवातीन को जितने हकूक इस्लाम ने दिए एग्जैक्टली किसी ने नहीं दिए, इतनी इमैंसिपेशन तो किसी और रिलीजन में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी आई रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स ऑल रिलीजन्स, लेकिन मतलब मुझे ये कन्फ्यूजन समझ ही नहीं आती है। आप एक काम करें, आज मैं अपने प्रोग्राम में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस चीज़ को हाईलाइट भी करें। आपकी रिक्वेस्ट हमारे सर आंखों पर। माय प्लेजर। एक गेम चेंजर आप कॉलम लिखें, गेम चेंजर माइंडसेट। इसमें आप बताएं कि लोगों ने अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ कैसे सेट कर लिया है और गेम चेंज कैसे होती है। एक सिर्फ माइंड के चेंज होने से आपकी पूरी लाइफ का सर्कल कैसे बदलता है, और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं, आप नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, आप पॉजिटिव रहते हुए अच्छी अपनी डोमेन में काम करते हैं, सिराते मुस्तकीम को अपनाते हैं। पॉजिटिविटी सिराते मुस्तकीम है, इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। यही पॉजिटिविटी का जो है वो ट्रांसलेट है सिराते मुस्तकीम, यानी सीधा रास्ता, और नेगेटिविटी शैतान का रास्ता। ये वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क महसूस नहीं होता और हमें समझ नहीं आती हम नेगेटिव में ज़्यादा खुश हैं। इज़ अ वेरी गुड टॉपिक एंड आई विल डेफिनेटली राइट ऑन दिस। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि मैं कुछ वीलॉग्स भी शुरू करूँ। हाँ, क्योंकि मैं हर रोज़ या हर फ्रीक्वेंसी अभी मैंने नहीं सोची कि वेयर आई वुड शेयर पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि वी हैव बिकम अ नेशन के हम वी हैव अ टेंडेंसी कि जी डूम्स डे का वो हम सीनारियो पेंट करते हैं। सही कि वी सी द नेगेटिव इन एवरीथिंग, खुश रहते हैं इसमें, वी सी द हाफ एज ग्लास एम्प्टी, यस वी डोंट सी द ग्लास एज हाफ फुल फुल। नाउ व्हाई इज दैट? ये तो फिर दोनों रुख हाँ जी हैं, जिस तरह मर्जी देख लें आप जी, अप टू यू। कान को सीधा पकड़ लें उल्टा पकड़ लें है तो वो कान ही। एग्जैक्टली, आप सीधे रास्ते पे जाएंगे तो आपके लिए आसानियां होंगी, आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपको शुरू में तो बहुत आसानी लगेगी लेकिन एंड इसका बहुत बुरा होगा जो आपको लोगों के सामने और वैसे आपकी पर्सनालिटी को जो है वो डैमेज कर देगा। आज के बच्चे को जो तरबियत की ज़रूरत है ना वो ये है कि सही और गलत क्या है। एक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उनका फरमान है कि एक सिर्फ सच बोलना सिखा दें अपने बच्चों को, सिर्फ सच बोलना, बच्चा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि जब वो कुछ गलत करने लगेगा या गलत बताने लगेगा उसको ये याद आ जाएगा कि मैंने सच बोलना है। एक सिर्फ सच बोलने से पूरा माशरा तब्दील हो सकता है, पूरे माशरे की सोच तब्दील हो सकती है, और ये माशरा जो है वो तब्दील होगा ही सच के साथ। झूठ बोलने से तो मामला ख़राब होते हैं। और मैं उनका भी कहीं पढ़ रही थी, किसी का सुन रही थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की मौलाना तारिक जमील साहब ने कि हम लोग जो हैं हम लोग बच्चों को जैसे इवन मुझे भी जिन मौलवी साहब ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया एंड ऑल दैट, तो हमेशा ये था कि अल्लाह से डरो। सही, अल्लाह से डरना मत सिखाएं, अल्लाह तो सरापा मोहब्बत है। बेशक, गॉड इज़ द इज ऑल अबाउट लव एंड करीम। और आप देखें ये उस दिन जो मैं आर्ट एग्जिबिशन थी उसमें जो है एक तलंबा नाम की बुक सैयदा, उनका मैं नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा, तो उन्होंने लिखी है और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर की कि जब हज़रत आदम को पैदा किया गया तो सबसे पहले क्या उनके लिए कोई माँ का रोल अल्लाह ताला ने पैदा किया, एक ज़ौजा उनको दी, तो मियां और बीवी के रिश्ते पर ये कायनात बनी जी, तो उनको था कि एक जो हमारे मतलब इट्स जो हमारे एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर जो मर्द हैं वो सोचते हैं कि अच्छा ज़्यादा टाइम मदर को देना है या वाइफ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है। हाँ जी, तो वो उसमें तो मतलब एवरीथिंग इज सो क्लियर। अच्छा, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है सलमान, लेकिन अगर कोई इस सवाल का जवाब मुझसे पूछे तो मैं तो सिंपल ये बात कहूँगी कि सारी ज़िंदगी माँ ने पाला, बड़ा किया, खिदमत की,
माँ का रुतबा कभी खत्म नहीं होता, मरते दम तक वो माँ ही रहेगी। लेकिन माँ को थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना पड़ता है जब बंदे की शादी हो जाती है। आपका वही बेटा जिसकी आप इतने प्यार से, लाड प्यार से उस बहू लेकर आ रहे होते हैं, तो कुछ फिर आपको उसको बांटना पड़ता है ना, उसके टाइम को, उसकी शेयरिंग जो है वो करनी पड़ती है। क्योंकि वो खातून जो अपना सारा घर बार छोड़कर आपके घर आई है, जो आपके रिश्तों को अपना कर अपने घर में जो है वो अपनी जगह बना रही है, अपनी बेटी बेटी है, बिल्कुल ऐसे ये एक सर्कल है। तो इस वजह से ये चीज कहना कि ये तो जो है वो बीवी के साथ ही है, ये तो बीवी की ही मानता है, बीवी की माननी भी ज़रूरी है लेकिन माँ को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बट दोनों तरफ जो चक्की में पिस रहे हैं मर्द, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया है, क्या कह सकते हैं, माओं को थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये मेरी माओं से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के सुकून के लिए ना आपको दिल बड़ा करके अपने बेटे और अपनी बहू के लिए उनको वक्त देना होगा, उनकी ज़िंदगी उनके मुताबिक उनको गुजारने दें। अब अगली ज़िंदगी उनकी है, आपको चाहिए कि आप अल्लाह के साथ लॉ लगा लें और अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी जो है ना वो अपनी मजबूत कर लें। नहीं करेंगे तो लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फसाद होगा, शैतानी काम है। कर लेंगे तो अमन में रहेंगे, इज्जत में रहेंगे, एहतराम में रहेंगे। और बहू ये चीजें जो है ना माँ बाप को और बहुओं को समझनी पड़ेगी। बहू को भी यहाँ मैं कहूंगी कि वो ये अक्सर मैं अपनी कुछ मैं सुनती हूँ कि जी वो मुझसे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कब आओगी। अब ये सवाल तो देखें आपकी अपनी अपनी माँ भी करती हैं, तो क्या आप उनसे भी आप नाराज हो जाते हैं? ये तो गलत। तो ये जो रिश्तों का हर रिश्ते को जो एहतराम है, बल्कि इजाजत लेके जाएं। बिल्कुल, आप ना मतलब सलमा कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए कि मैं बहू नहीं हूँ, बेटी हूँ, ये मेरी माँ है, सास नहीं है। जब ये सास का और ये बहू का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, असल में लड़ाई वहाँ शुरू हो जाती है। जहाँ बेटी और माँ का कॉन्सेप्ट होगा ना, अच्छा एक टाइम अगर आपकी सास जो है वो आपको बहू ही बना के रखना चाहती है, आपको बेटी नहीं बना रही, तो आप काम ऐसे शुरू कर दें कि वो आपको बेटी बनाने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, किसी भी सख्त से सख्त इंसान को भी मोहब्बत से पत्थर किया जा सकता है, बिल्कुल खिदमत से पत्थर किया जा सकता है। और माँ बाप तो बड़े नॉर्मल से बड़े प्यारे लोग होते हैं, जरा सी खिदमत, जरा सा दबा दिए, जरा सा सर दबा दिया, जरा से कपड़े स्त्री करके दे दिए, खाना अच्छा बना दिया, कुछ जो है वो तैयारी उनकी ऐसी कर दी। छोटी छोटी चीजें हैं बहुओं के लिए कि जिससे वो अपनी सास को अपनी माँ की जगह दे सकती हैं। ये हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं होता कि हम आए यहाँ पर बातें करें और चले जाएं। मकसद ये होता है कि यार अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी बंदा है ना, कहीं भी किसी के कोई भी इशूज चल रहे हैं, तो हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम में बात करने से कहीं किसी का कोई बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो जाए। और ऐसा होता है, आई फील प्राउड माई सेल्फ के लोग जब मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो वो ऑथेंटिक है। उसकी वजह क्या है कि हम नहीं चाहते कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा या फसाद पड़े, इसीलिए हम रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहते हैं। सोशल इशू पे प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है, आप जैसे राइटर्स को बुलाना कि आप इस पर लिखें। आप आज के ड्रामों से मुत्तफिक हैं जो लिखा जा रहा है, जो राइटर इज्जतों का और ये रिश्तों का जो ये एक सेटअप बन चुका है जिसमें अल्लाह माफ़ कर दे पता नहीं कौन से रिश्ते किस तरह के डिस्प्ले हो रहे हैं और राइटर क्या लिख रहे हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं आप एज अ राइटर? एक तो मैं ड्रामास जो हैं वो मैं कम देखती हूँ, लेकिन कुछ देखा करें ताकि आप जैसे राइटर जो हैं वो आगे आके कुछ अच्छा लिख सके। मैंने फिर देखने शुरू किए। वो जो है जैसे कुछ ड्रामास की मुझे बहुत तारीफ की लोगों ने कि जी ये आप ज़रूर देखें। अब आई विल नॉट टेक एनी नेम्स ऑफ कोर्स, बट एक ड्रामे में जैसे ये दिखाया गया कि जी जो मर्द है उस वो लड़की को अगवा करके और फिर लड़की जो है उनको उनसे मतलब वो फिर राजी खुशी आपस में रहे। अब अगर आपने किसी लड़की को रिलेशनशिप ही अगवा होने से शुरू हो गया है, मुझे तो स्टोरी लाइन में तो मुझे सलमा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि प्रोग्राम हमारे पास जो है ना हमारे पास बातें बहुत ज्यादा हैं लेकिन प्रोग्राम का वक्त के खत्म हो गया है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप माशाल्लाह जिस तरह एक बैंकर भी रहीं, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी भी हैं, आप शायरा भी हैं, आप राइटर भी हैं, आपके अंदर एक दर्द दिल रखने वाली पर्सनैलिटी भी है, आप सोशल वर्कर भी हैं, इतने सारे काम जब एक पर्सनैलिटी में है तो प्लीज़ आप कोई ड्रामा या नॉवल या
कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर लिखें जो हमारे रिलेशंस के साथ अटैच करती हों, हमारे रिलेशंस के तकद्दस को बरकरार रखते हुए। आप जैसे राइटर जब तक आगे आकर अच्छे ड्रामास नहीं लिखेंगे तब तक हमारे माशरे में जो है वो अच्छाई नहीं फैलेगी। ये रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और इसमें जहाँ तक मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आप तो हैं ही मेरी रोल मॉडल। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाई। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मेरे लिए ढेरों ढेर दुआएं देते हैं। जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मेरे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते हैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुखों को बस आप ऐसे कर दें कि दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक ज़िंदा है ना तब तक ये दुख रहेंगे, इसलिए दुखों में जीना सीखिए खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ। एक ज़रा सी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी को और सामने वाले के मूड को बदल सकती है, इसलिए ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना अपनी आदत बना लें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल फिर नए सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।